देखिए आज की ताज़ा खबर। पिछले कुछ दिनों से खबरों का बाजार गर्म है कि बैटल ऑफ सारागढ़ी पर बेस्ड अक्षय कुमार की फिल्म अब डिब्बा बंद हो चुकी है। हालांकि इन अफवाहों का सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जी हाँ, हालिया रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म को केसर टाइटल दिया गया है। अगर इस फिल्म की बात की जाए तो खिलाड़ी कुमार इस फिल्म में हवलदार इशर सिंह के किरदार में दिखाई देंगे, जिन्होंने 12 सितंबर 1897 में अपने 21 सिपाहियों के साथ हजारों अफगान इन्वेडर्स के खिलाफ जंग लड़ी थी। बता दे, इशर सिंह इन 21 सिपाहियों के कमांडर थे। बाद में ही इस जंग को बैटल ऑफ सारागढ़ी का नाम दिया गया। वैसे रुस्तम के बाद एक बार फिर अक्षय कुमार को ऐसे पेट्रियोटिक किरदार में देखना काफी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। कई महीनों तक टाइगर जिंदा है की शूटिंग चलने के बाद अब ये शूट अपने आखिरी स्केड्यूल में आ चुकी है। खबरों के मुताबिक इस फिल्म के क्लाइमेक्स को 22 डेज के लंबे स्केड्यूल में शूट किया जाएगा। जी हाँ, डायरेक्टर अली अब्बास जफर का कहना है कि वो इस क्लाइमेक्स सीन को शूट करने के लिए नर्वस और एक्साइटेड दोनों ही है। इस दिन अली अब्बास जफर ने ट्वीट करते हुए लिखा, टाइगर जिंदा है शूटिंग स्केड्यूल के आखिरी 22 डेज बचे हैं। कल से हैवी ड्यूटी क्लाइमेक्स एक्शन सीन को शूट किया जाएगा, नर्वस और एक्साइटेड। आपको बता दें, सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर इस फिल्म को क्रिसमस पर रिलीज किया जाएगा। वैसे इस स्पाई थ्रिलर के लिए दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। क्या वरुण धवन सलमान खान के एक और रीमेक में आएंगे नजर? क्या एक बार फिर वरुण दिखाई देंगे भाईजान की फिल्म के रीमेक वर्जन में? वेल, 90s की बॉक्स ऑफिस हिट जुड़वा के रीमेक जुड़वा 2 में वरुण धवन तो नजर आने ही वाले हैं, और सितंबर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने के लिए भी तैयार है। और इस बात पर जब सलमान से पूछा गया कि आज की डेट में उनके कौन सी फिल्म का रीमेक होना चाहिए, तो उस पर तुरंत जवाब देते हुए सलमान का कहना था, एक फिल्म थी लव, जिसमें मैंने और रेवती ने काम किया था, वो फिल्म काफी अच्छी थी, मुझे लगता है वरुण उस फिल्म के लिए परफेक्ट चॉइस हैं। वैसे भाईजान ने तो लव के लिए वरुण को परफेक्ट बता ही दिया है। अब देखते हैं कब और कैसे ये फिल्म बनती है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। पूरे देश के साथ साथ हमारे बी टाउन सेलेब्स ने भी गणेश चतुर्थी को बड़े ही धूमधाम से किया सेलिब्रेट। एंड ऑल थैंक्स टू बिजनेस ऑन शो मुकेश अंबानी, जिन्होंने ग्रैंड फेस्टिव बैच थ्रो कर इस दिन को और भी खास बना दिया। बता दे, इस बैच में जहां बिग बी अमिताभ बच्चन, सलमान, शाहरुख, आमिर और संजय दत्त जैसे बिग बॉलीवुड बिगीज एक साथ दिखाई दिए। वहीं दूसरी तरफ दीपिका रणवीर और दिशा टाइगर जैसे लव बर्ड्स भी एक साथ काफी टाइम स्पेंड करते नजर आए। वेल, अंबानी के इस बैच ने जब कई अच्छे मोमेंट्स देखे, वहीं कुछ अजीब चीजें भी हमने किया नोटिस। वेल, इस दिन देसी गर्ल प्रियंका के एंट्री के साथ साथ किंग खान ने ले ली इस पार्टी से एग्जिट। वैसे ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी रितेश सिद्धवानी की पार्टी में हमने इनका इग्नोर गेम खूब देखा था। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। सुहाना खान और न्यासा देवगन बॉलीवुड की ये नेक्स्ट जनरेशन अब क्यूटेस्ट किड से प्रिटी लेडीज का सफर तय करते नजर आ रहे हैं। शायद आने वाले दिनों में ये दोनों टीनेजर्स बॉलीवुड को रूल करते हुए भी दिखाई दें। चलिए इन दोनों बडिंग स्टार से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। पहले बात करते हैं शाहरुख खान और गौरी खान की बेटी सुहाना खान की। सुहाना बी टाउन के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टार किड्स में से एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुहाना का जन्म 22 मई 2000 को हुआ था। फिलहाल सुहाना धीरू भाई अम्बानी इंटरनेशनल स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। अपने एकेडमिक्स के अलावा मिस खान डांसिंग, फुटबॉल, राइटिंग और ट्रैवलिंग में भी काफी इंटरेस्टेड हैं,
अब बात करते हैं न्यासा देवगन की। बॉलीवुड कपल काजोल और अजय देवगन की बेटी न्यासा देवगन का जन्म 20 अप्रैल 2003 को हुआ था। फिलहाल न्यासा भी धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से अपनी स्कूलिंग कर रही हैं। मिस देवगन ट्रैवलिंग का काफी शौक रखती हैं। बाबा एसओ व ढूंढो फेम जूही असलम ही वो लेटेस्ट टीवी सेलेब हैं जिन्हें बिग बॉस 11 के लिए अप्रोच किया गया है। हालांकि अभी तक जूही की तरफ से हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन कयास लगाई जा रही है कि जूही असलम सलमान खान के इस शो पर बतौर कंटेस्टेंट दिखाई दे सकती हैं। वेल, अगर जूही इस शो के लिए मान जाती हैं, तो उन्हें बिग बॉस के घर में देखना काफी दिलचस्प होगा। जो ये नहीं जानते बता दें, जूही असलम की हाइट महज 3.5 फीट है और उन्होंने इस मकाम तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की है। अगर जूही इस शो को करने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो उन्हें दोनों शोज इस प्यार को क्या नाम दूं 3 और बड़ो बहू छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, बिग बॉस 11 के लिस्ट में इस नए नाम के बारे में आपकी क्या राय है, हमें अपना सुझाव बताएं और कॉमेंट करें। अक्षय कुमार की हालिया रिलीज टॉयलेट एक प्रेम कथा 100 क्रॉ क्लब में एंटर तो कर ही चुकी है, जबकि एयरलिफ्ट, हाउसफुल 3, रुस्तम, जॉली LLB 2 और टॉयलेट एक प्रेम कथा के साथ ये खिलाड़ी कुमार की 5वीं बैक टू बैक 100 क्रॉ ग्रॉसर है। तो वहीं बॉलीवुड के खान, शाहरुख और सलमान की झोली में भी कई सारी 100 क्रॉ ग्रॉसर शामिल है। बात करते हैं बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख की, तो रावण, डॉन 2, जब तक है जान, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर और दिलवाले जैसी फिल्मों के साथ SRK के पास 6 बैक टू बैक 100 क्रोर ग्रॉसर का रिकॉर्ड है। तो वहीं इस रेस में सबसे पहला नाम बॉक्स ऑफिस के सुल्तान सलमान खान का आता है। 1100 क्रोर ग्रॉसर के साथ सलमान इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर विराजमान है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपना सुझाव बताएं और कॉमेंट करें। अक्सर 2 का मच एंटिसिपेटेड सिजलिंग ट्रेलर हुआ रिलीज, जहां इस ट्रेलर में खूबसूरत जरीन खान अपने बोल्ड अदाओं से सबके होश उड़ाते नजर आईं, वहीं टीवी जगत के हैंडसम हंग गौतम रोडी को देख दिल की धड़कनों को तेज होने से रोकना हुआ बेहद मुश्किल। अनंत नारायण महादेवन के निर्देशन में बनी ये एक्शन थ्रिलर 2006 में आई फिल्म अक्सर का सीक्वल है, जहां गौतम रोडी, अभिनव शुक्ला, जरीन खान और मोहित मदान मुख्य किरदारों में दिखाई देंगे। इस फिल्म की कहानी छल, कपट, जुनून और साजिश के इर्द गिर्द घूमती है। बता दें, ये एक्शन थ्रिलर 6 अक्टूबर बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आपकी अक्सर 2 के इस सिजलिंग ट्रेलर के बारे में क्या राय है, वेल, हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म टाइगर जिंदा है की इन दिनों अबू धाबी में शूटिंग चल रही है। आपको बता दें कि ये फिल्म के आखिरी स्केड्यूल है। वैसे हाल फिलहाल में इस फिल्म के सेट से कई तस्वीरें बाहर आ चुकी हैं, जिसे देख के तो ऐसा ही लगता है कि एक था टाइगर का ये सीक्वल काफी धमाकेदार होने वाला है। वेल, इससे पहले इस फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर कई बार ये बता चुके हैं कि इस बार फिल्म काफी ग्रैंड स्केल पर फिल्माई जा रही है और सूत्रों के मुताबिक सलमान खान भी इस फिल्म को सुपरहिट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। आपको अगर पता ना हो तो बता दें, इस फिल्म में सलमान और कटरीना की जोड़ी 5 साल के बाद वापसी करने जा रही है। तो दोस्तों, इस क्रिसमस टाइगर और जोया को एक बार फिर पर्दे पर देखने के लिए क्या आप एक्साइटेड हैं? हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। और भी मसालेदार फिल्मी अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई के साथ बने रहें। जबकि पूरा देश गणेश चतुर्थी मनाने में व्यस्त रहा, तभी अंबानी ने गणेश चतुर्थी का बैच थ्रो कर इस दिन को और भी स्पेशल बना दिया। इस पार्टी को लगभग पूरा बी टाउन अटेंड करते दिखा। जबकि कई बॉलीवुड बिगीज एंटीलिया में हुए इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने, तभी हमारी नजरें बी टाउन के एक्सप्लेम सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन पर पड़ी। क्या ये बताने की जरूरत रहती है कि इन दोनों ने एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिलाई? बता दें, इस दिन ऐश अपने डार्लिंग हबी अभिषेक बच्चन, बेटी आराध्या और फादर इन लॉ अमिताभ बच्चन के साथ दिखाई दी।
वहीं सलमान अकेले ही इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें अपना सुझाव बताएं और कमेंट करें। बी टाउन के मेगा स्टार सलमान खान ने बॉलीवुड में पूरे किए 29 साल। हालांकि ये 29 साल लंबा सफर तय कर पाना उतना आसान नहीं था, मगर सलमान और उनके स्टारडम ने हमें कभी भी निराश नहीं किया। सलमान ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म बीवी हो तो ऐसी से एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर की थी। फिर सूरज बड़जातिया की फिल्म मैंने प्यार किया उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इन पिछले 29 सालों में सलमान 50 से भी ज्यादा फिल्मों में दिखाई दिए। कुछ टीवी शोज और कुछ एडवर्टीजमेंट में भी सलमान ने अपनी छाप छोड़ी। इन करीब 3 दशक में सलमान को कई अवार्ड्स मिले, जिनमें से प्रोड्यूसर के तौर पर उन्हें 2 नेशनल अवार्ड्स और एक्टर के तौर पर 2 फिल्मफेयर अवार्ड्स भी शामिल हैं। सलमान की दुनिया के सबसे बड़े स्टार और इंडियन सिनेमा के सबसे सक्सेसफुल एक्टर्स में गिनती होती है। वेल, आशा करते हैं इसी तरह आगे भी सलमान ऐसे ही हमारा मनोरंजन करते रहेंगे।